गोंदिया जिले में इस समय नवरात्रि के अवसर पर बड़े पैमाने पर गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस माध्यम से समाज में सर्वधर्म समभाव कायम करने की तस्वीर आज जिले में देखी जा सकती है। ऐसे में एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा पटेल गोंदिया आई है और उन्होंने गोंदिया शहर में कई जगहों पर गरबा का दौरा किया और खुद गरबा खेलने का आनंद भी लिया। वर्षा पटेल ने कहा है कि जिले में केवल 3 स्थानों पर गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अब 32 स्थानों पर गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पावर बोर्डिंग में आयोजित गरबा महोत्सव में वर्षा पटेल ने सभी नागरिकों के साथ गरबा का आनंद ऐसे उठाया जैसे उन्होंने सभी लोगों के सामने गरबा खेलने की खुशी साझा की हो, जैसे उन्हें इस उम्र के युवाओं पर शर्म आ रही हो। हमारी स्वर्गवासी माताजी, बड़ी माताजी डाहीबेन पटेल ने गरबे की शुरुआत की थी गोंदिया में और छोटे पैमाने पे की थी। करीब 3 गरबी थी और आज की तारीख में करीब करीब 32 गरबी है और हर समाज के लोग, नहीं कि सिर्फ गुजराती, हर समाज के लोग इसमें प्रेम से हिस्सा लेते हैं, माता रानी का जय जयकार करते हैं। और वैसे मैं भी कितने सालों से हर गरबे में जाके सबसे पहले माता रानी के दर्शन और फिर जितनी शरीर में ताकत है माता रानी दे देती है वो ताकत। 9 दिन माता रानी ताकत देती है, 10वें दिन आप गरबा करने जाओगे आपके पैर नहीं उठेंगे, ये माता रानी की ताकत है। तो हम 9 दिन मेरी बहनों के साथ, मेरी बहुओं के साथ घुल मिल के हम गरबा करते हैं और खूब आनंद आता है। और मेरे तरफ से पूरी गोंदिया की माता बहनों को बहुत ढेर सारी शुभेच्छा, 7 बजे से लेकर रात को जितने भी बजे तक। हाँ, और कायदे का पालन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चों की एग्ज़ाम भी आएगी, तो जो पुलिस का बंदोबस्त है वो उसको हमको मान्य रखना चाहिए और समय के अनुसार हमें उसे बंद कर देना चाहिए। मैं और प्रफुल्ल भाई जी पटेल जिले के आभारी है और माता रानी ऐसे ही हमें शक्ति दे कि हम देश की साथ कदम से कदम मिला के चले, जिले के साथ कदम से कदम मिला के। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।